तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। देखो मैं कहाँ पे हूँ, मैं ना अपने घर में हूँ। अभी अभी मैं पहुँची हूँ। तो अभी ना श्राव ट्यूशन को गई है, तो चलो हम उसका वेट करते हैं। फिर वो आने के बाद ना उसको डराते हैं इस दरवाजे के पीछे चुप कर। सो गाइस, श्राव ना आ गई है। अभी ना मैं वहाँ पे मोबाइल रखूँगी और उसको भू करके डराऊंगी, ठीक है। तो चलो वो ना मेरी बैग चेक कर रही, मैं उसके लिए क्या लाई। इधर आ, इधर आ। ये ऑनलाइन ऑर्डर करना तो छोड़ती हूँ। ये मैंने संडे मार्केट से लिया है, कितना अच्छा है श्राव के लिए। और कुछ है, और इयर रिंग्स भी लाई मैं उसके लिए भी। ये ना मैं मेरे खुद के लिए ली, मेरे अदी वाली आउटफिट से बहुत मैच करते हैं ये। ये भी मैंने खुद के लिए लिया, देखो श्राव के लिए। और भी कुछ लाई हुई, ये दिए ना मैंने मम्मी के लिए लाया है। हमें घेट लो कागज दिए, डिजाइन देखो कितनी अच्छी, पर ऐसे वाले नहीं है ना। श्राव तेरे दिवाली का ग्रंथ देखा ना, उसने ना उसके दिवाली का ड्रेस स्टिच किया है। इधर वाओ कितना अच्छा है। घेर देखो मैं भी एक दिन पहनूंगी इसे। दीदी ये तुम्हारा है क्या? ये तुझा है? हाँ ये देखो, ये है मेरे दिवाली का ड्रेस। गेस करो इसकी प्राइस क्या हो। उसका घेर देखो ना यार कितना अच्छा है। देखो ये ना मेरे को सिर्फ 200 में मिला, 200 में। सिर्फ इसको ना इधर यहाँ पे ना थोड़ा स्टिच करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर हो गया डन। और मम्मी ने भी मेरे लिए कुछ लिया है, देखो ये देखो इयररिंग्स कितने अच्छे हैं ना, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। सो आज मैं वीडियो किससे बना रही आपको दिखाऊँ। ये देखो मेरा फर्स्ट ट्राइपॉड, मेरे ना बर्थडे को मेरे पापा ने गिफ्ट दिया है, मेरा फर्स्ट गैजेट। अच्छा है ना। अभी ना मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ना मेरे को भूख लग रही है। तो श्राव और मैं ना खाना खा लेते हैं। मेरे बोल रही हूँ खाना करो श्री, मैं खाऊंगी इसको ना, सब आई का चाहिए। हाँ अभी खाना खा रहे, बेसन है, बेसन बेसन सब चले। मेरे को ना एक दिवाली का वीडियो शूट करना है, पर ना मम्मी ने काम बोला था, वो काम कर आज करेंगे या फिर कल शूट करेंगे। तो सो गाइस, पापा ना आ गए।
मेरे को दिवाली के लिए एक वीडियो शूट करना है, इसलिए ना मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैं ड्रेस कौन सा पहनूँ यार, देखते हैं, रुको एक मिनट। ये वाला लहंगा तो आपने देख ही लिया है, मैंने राधा का लुक किया था इस लहंगे पर। देखो मैंने ना ये दो आउटफिट निकाले हैं, ये एक लहंगा है और इसके ऊपर ना ये ब्लाउज, ये एक है और चुन्नी भी है और ये एक। इसे ना पहनने की बहुत इच्छा है यार, देखो ना घेर कितना है इसको, बहुत घेर। ये ऊपर का है मतलब नीचे का है और ये ऊपर का। सो अभी ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये दोनों में से मैं क्या पहनूँ। सो मेरे को लग रहा मैं यही पहनूँ, ये ब्लू वाला, तो यही पहनती हूँ। सो मैंने ना फेस वॉश कर लिया है, अभी मैं जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। वैसे मैं आज कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ चेहरे को, जो मैं डेली लगाती हूँ ना बस वही लगाने वाली, जैसे कि ये पाउंड्स की क्रीम पाउडर लाइनर और ये काजल, बस इतना ही। एसी ना वहाँ से बंद है, पापा ने बंद किया होगा, अभी ठंडी का मौसम चालू है ना इसलिए पापा वहाँ से बंद कर कर रखते। मेरे को ना भिंडी चाहिए, हमेशा हमेशा ब्लैक वाली लगाती हूँ ना मैं, इसलिए आज कुछ नया लगा। मैं काजल लगाऊँ या लाइनर? लाइनर लगाती हूँ। देखो मेरा लाइनर लगा कर हो गया और मैंने बिंदी भी लगाई, अभी अच्छा दिख रहा ना। अभी मम्मी भी बाहर जा रही है, अभी पापा गए अभी मम्मी जा रही है, दोनों भी मेरे को किस कर कर जा रहे। मम्मी किटी पार्टी के लिए जा रही है अभी। मेरा ना लाइनर लगा कर हो गया और मैंने बिंदी भी लगाई, अभी सिर्फ ना ड्रेस लगाना है फिर हो, और हेयर स्टाइल भी करनी। ये ऐसे भी अच्छा ही दिख रहा है। देखो ये कुछ ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, देखो बैक साइड। अभी ना सिर्फ हेयर स्टाइल करना है फिर हो गया। मैं हेयर स्टाइल ऐसे ही करने वाली हूँ और ये दो स्क्रंचेस मैं पीछे लगाने वाली हूँ, देखो मैच हो रहा ना ये हो रही है। मैं ना बन के साथ उतना सेटिस्फाइड नहीं थी इसलिए मैंने एक पोनी डाली, और देखो ये दो कलर का ना कॉम्बिनेशन किया मैंने, अच्छा दिख रहा क्या, या फिर से मैं चेंज करूँ कुछ और? लेट इट बी, अच्छा ही दिख रहा। मैं इयर रिंग्स कौन से पहनूँ यार, ये वाले कैसे सूट ही नहीं हो रहे। ये भी नहीं, ये ना मेरे लिए मम्मी ने लाया, ये ना मम्मी ने लाया मेरे लिए गिफ्ट, ये पहन कर देते हैं।
ये देखो बिल्कुल सूट नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं। इस ड्रेस के ना पूरे मैचिंग ज्वेलरी में हॉस्टल में रख कर है। देखो सो अभी ना कुछ ज्वेलरी पहनना है, फिर मैं आपको डायरेक्ट मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना, ठीक है।